नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके विस्तार से आंसर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस जिस भी परीक्षा में आपके बनते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए सभी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण रहेंगे। फिर चाहे आपका बिहार पीसीएस हो या फिर एमपीपीएससी हो या आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहाँ भी जिस भी तरह के इस तरह के क्वेश्चंस जिस भी एग्जाम में बनेंगे आपके, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग चार टेस्ट आपके खत्म कर चुके हैं और तीन सॉरी टेस्ट खत्म कर चुके हैं, चौथा टेस्ट है हमारा। और याद रखिए, आपकी एनसीईआरटी लगभग पूरी होने वाली है। इसके बाद आप कई लोगों का कहना है कि एम लक्ष्मीकांत को भी कवर करिए, तो टाइम मिलने दीजिए, उसे भी कवर कर लेंगे हम लोग। आप लोग जब भी यहाँ आते हैं तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट सूची में जाकर जरूर देख लिया करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मटेरियल दे चुका हूँ कि शायद मुझे नहीं लगता है कि कहीं आपको मिलेगा, और आपको बस पढ़ना है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान देख लीजिए, पूरा कवर कर चुका हूँ। एनसीईआरटी पूरी कवर हो चुकी है आपकी। पिछले साल के जो भी क्वेश्चंस पेपर हैं आपकी सिविल सर्विस के हो या स्टेट पीसीएस, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, इनके भी कवर कर चुका हूँ 5-6 साल के। और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पूरा कवर कर चुका हूँ, सामान्य ज्ञान के लिए काफ़ी कवर कर चुका हूँ, कंप्यूटर साइंस पूरा कवर कर चुका हूँ। तो उसे देखते रहिए, ठीक है। तो जीएस का पार्ट आपका जहाँ भी जिस भी परीक्षा में आपका होगा, फिर चाहे आपका कंप्यूटर हो, ज्योग्राफी आपके, फिर संविधान, इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र, हिस्ट्री, ये सभी जहाँ भी इनका मत है उन सभी परीक्षाओं को आप लोग बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो चलिए, इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। और याद रखिए, जो भी पीडीएफ होती है इस तरह की वो सभी आपकी टेलीग्राम पर डाल दी जाती है, ठीक है। तो निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है। जो नीचे निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं, 1 और 2, इन दोनों का मिलान करना है, हमें सही चुनना है कि ये सही है या नहीं। जैसे आपका व्यापार, व्यापार सुगमता सूचकांक कौन जारी करता है? व्यापार सुगमता सूचकांक को कौन जारी करता है? विश्व बैंक। ये आपका बिल्कुल सही है। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बिल्कुल गलत है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। ये भी आपका गलत है। एक बात आप लोगों को याद रखना चाहिए, पता है इस तरह के क्वेश्चंस आपकी सिविल सर्विस में और स्टेट पीसीएस में बहुत बार बन चुके हैं, और आपका हर साल मुझे लगता है एक ना एक क्वेश्चंस इंडेक्स से आपका बन जाता है। तो बड़े ध्यान से इन्हें आपको पढ़ना होगा। तो इसमें क्या होगा, एक ही कथन आपका सही है, बाकी 2 और 3 गलत है। इसमें इसमें गलत 2 3 है, तो इसमें आखिर सही क्या होगा? व्यापार सुगमता सूचकांक को विश्व बैंक जारी करता है, याद रखिए। और जो मानव विकास सूचकांक है यानी कि HDI को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। मानव विकास सूचकांक को कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स है यानी कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक है, इसे कौन जारी करता है? इसे करता है संयुक्त रूप से दो एजेंसियां, कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर लाइव द्वारा इसे विकसित किया जाता है। यह है आपका वैश्विक वैश्विक और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से भूख की मांग के लिए डिजाइन किया गया एक टूल है। और आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर की गणना हर साल भूख की मुकाबले करने में हुई प्रगति और असफलताओं का आकलन करने के लिए किया जाता है। तो एक बार आप लोग देख लीजिए, व्यापार सुगमता सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व बैंक। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और वैश्विक भुखमरी सूचकांक कौन जारी करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइव, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा था? सही पूछ रहा था, तो केवल आपने देखा कि पहला सही इसमें था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है? पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है। सरकार फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरकों के लिए नियंत्रित पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी नीति लागू कर रही है। गलत है। फास्फोरस एवं पोटेशियम उर्वरकों पर सब्सिडी की घोषणा सरकार द्वारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास
और सल्फर के प्रति किलोग्राम के आधार पर की जाती है। ये आपका सही है। एनबीएस के तहत आपका फॉस्फोरस और आपका पोटास की एमआरपी को निर्धारित नहीं किया गया है। उर्वरक और निर्माताओं विपणकों को उचित दरों पर एमआरपी तय करने की अनुमति दी गई है। ये भी आपका सही है। क्या पूछ रहा है इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका दो कथन और तीन कथन सही है, पहला गलत है। पहला आखिर गलत क्यों है उसे भी बता देता हूँ। सरकार फास्फोरस एवं पोटेशियम उर्वरकों के लिए विनियंत्रित पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी नीति लागू कर रही है। ठीक है, सरकार द्वारा P&K यानी कि फास्फोरस एवं पोटेशियम उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति 1 अप्रैल 2010 से लागू की गई है। कब? 1 अप्रैल 2010 से। इसमें आपका सही था 2 और 3, क्योंकि सही पूछा था। अगर आपसे गलत पूछता तो केवल एक गलत था, लेकिन सही पूछा था तो 2 और 3 इसमें सही है। इस पॉइंट को आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ा करिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कई बार क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं इस पॉइंट की वजह से। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां प्राथमिकता के क्षेत्र में ऋण के अंतर्गत आती है? निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण के अंतर्गत आती है? निर्यात ऋण, नवीकरणीय ऊर्जा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, ये तीनों आती है आपकी। क्या आती है? तीनों ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्राथमिक क्षेत्र का अर्थ होता है ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक देश की बुनियादी जरूरतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानती है, उन्हें हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। बैंकों के लिए ऐसे क्षेत्रों की वृद्धि को पर्याप्त और समय पर ऋण देने हेतु प्रोत्साहन यानी कि अनिवार्य भी किया जाता है कि इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ऋण दीजिए। जैसे आपके प्राथमिक क्षेत्रों की बात करें तो आप इसमें कृषि क्षेत्र देखेंगे, सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्योग देखेंगे, निर्यात ऋण देखेंगे, शिक्षा, आवास, सामाजिक बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा, ये सभी आपके प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। एक तरह से कह दीजिए कि विकास, देश के विकास में सबसे ज़्यादा इन्हीं का योगदान। आप ही सोचिए कि देश कहीं भी तरक्की कर ले और गरीबी ना हटे, शिक्षा ना मिले, कृषि हमारे यहाँ की अच्छी ना रहे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम विकसित हो चुके हैं, विकास कर लिया हम लोगों ने। तो ये मेन आधार स्तंभ है हमारे देश के। तो इसमें क्या होगा आपका? डी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि RIDF को निम्नलिखित में से किसके तहत स्थापित किया गया? ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि को निम्नलिखित में से किसके तहत स्थापित किया गया? तो ये नाबार्ड के तहत। किसके? नाबार्ड के तहत। और याद रखिए, इसके तहत भारत सरकार ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत भारत सरकार द्वारा 37 पात्र गतिविधियां अनुमोदित हैं। कृषि तथा क्षेत्र संबंधित क्षेत्र हो गए, सामाजिक क्षेत्र हो गए, ग्रामीण संपर्क क्षेत्र भी हो गए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्या है हमारा क्वेश्चन? मूल स्थिरीकरण कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। मूल स्थिरीकरण कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस योजना के तहत वस्तुओं के सामरिक बफर बनाए रखने जैसे प्याज, आलू, दालें की व्यवस्था की गई ताकि भविष्य में वस्तुओं के अनुवर्ती निर्गमन के माध्यम से मूल्यों में आने वाली अस्थिरता और जमाखोरी को हतोत्साहित किया जा सके। सही है। इसके तहत इस तरह के स्टॉक निर्माण के लिए योजना के अंतर्गत फार्म गेट मंडी में किसानों के संघ से प्रत्यक्ष खरीद को बढ़ावा दिया जाता है। ये भी आपका सही है। PSF को नाबार्ड द्वारा एक केंद्रीय कार्पर्स फंड के रूप में प्रबंधित किया जाएगा, यानी कि आपका मूल स्थरी कोष को नाबार्ड द्वारा एक केंद्रीय कार्पर्स की फंड के रूप में प्रबंधित किया जाएगा। ये आपका गलत है। इसमें क्या पूछा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका एक सही है और दूसरा कथन गलत है। एक और दो सही है और तीसरा आपका गलत है। ठीक है, याद रखिए, कभी कभी क्या होता है कि प्रोनाउंसेशन ऐसा हो जाता है कि गलत बोल देता हूँ,
सही बताते हुए भी, तो उसे भी अगर ऐसा हो जाता है कभी तो आप नीचे कमेंट में लिख दिया करिएगा कि इसका ऐसा है, क्योंकि आपका कोई अगर फैमिली मेम्बर आता है इसे देखता है तो कम से कम उससे गलती ना हो, ठीक है, उसे सही आंसर पता चल जाए। आप लोग भी अपनी सलाह देता रहा करिएगा, सुधार होता रहेगा, ठीक है, हम लोग सब एक मिलकर आगे बढ़ेंगे। PSF यानी कि जो मूल स्थिरीकरण कोष है को SFAC स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कॉन्सोर्टियम द्वारा केंद्रीय कार्पस फंड के रूप में प्रबंधित किया जाएगा। यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा निजी व्यवसायों, निवेश और प्रौद्योगिकी को कृषि से संबद्ध करने हेतु एक समर्पित संस्था है। SFAC फंड मैनेजर के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। इसमें आपका 1 और 2 सही था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है अगला क्वेश्चन? बैटमैन ने अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ दी और दूसरी नौकरी की तलाश कर रहा है, वह किस प्रकार की बेरोजगारी का सामना कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके बन जाते हैं। बैटमैन ने अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ दी, दूसरी नौकरी की तलाश कर रहा है, वह किस प्रकार की बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है? तो आप कहिए कि प्रतिरोधात्मक, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बेरोजगारी के आप 3 प्रमुख मुख्य प्रकार देखेंगे, एक संरचना, संरचनात्मक, प्रतिरोधात्मक और चक्रीय। पहले जो 2 प्रकार के हैं यानी कि संरचनात्मक और प्रतिरोधात्मक, ये प्राकृतिक बेरोजगारी दर का निर्माण करते हैं, जबकि तीसरा जो आपका चक्रीय है, ये जब मांग कमी आ जाती है मांग में और आमतौर पर मंदी के दौरान, उस समय इस प्रकार की बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाताधारकों के लिए 2,00,000 रुपये का जीवन बीमा कवर प्रदान करती है, जिसका नवीकरण साल दर साल किया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना होने पर मृत्यु या फिर विकलांगता की स्थिति में 18 से 70 वर्ष की आयु के उन बैंक खाताधारकों को 1 वर्ष का नवीकरणीय बीमा प्रदान करती है और जिन्होंने इस योजना में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब किया हुआ है। ये भी बिल्कुल सही है। क्या पूछ रहा है? उपयुक्त कथनों में से सही कथन चुनना है हमें, तो इसमें आपका 1 भी सही है और 2 भी सही है, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही है आपके। इसकी अगर बात करें कि प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना कब शुरू हुई और आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों आपकी 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। कब? 2 मई 2015 को, ठीक है। तो इसमें आपका सी था, दोनों सही थे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है विचार। ऋण पुनर्वित्त का तात्पर्य ऋण चुकाने के लिए अक्सर पिछली शर्तों की तुलना में बेहतर शर्तों पर एक नया अनुबंध शुरू करने से है। बिल्कुल सही बात है। ऋण पुनर्गठन तब लिया जाता है जब देनदारों को भुगतान ना कर पाने होने का जोखिम हो और तथा वे मौजूदा अनुबंध को बदलने के लिए समझौता कर रहे हों। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो दोनों आपके कथन इसमें सही है। और क्या पूछा है? सही कथन पूछा है इसमें, तो याद रखिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में हमें जो नीचे कथन दिए हैं इन पर विचार करना है। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना डेटाबेस में सूचीबद्ध सभी परिवारों को परिभाषित मानदंडों के अनुसार शामिल किया जाएगा। बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत परिवार के आकार और उम्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ये भी सही है। इसमें सभी माध्यमिक और तृतीयक देखभाल कार्यों के लिए चिकित्सा और अस्पताल में भर्ती खर्च को शामिल किया जाएगा। ये आपका गलत है। 1 और 2 गलत सही है। इसमें क्या पूछा है? सही पूछा है इसमें, तो 1 सही है और 2 सही है, लेकिन तीसरा इसमें गलत है। तीसरा गलत आखिर क्यों है? तो याद रखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
गरीब और कमजोर परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक स्तर के स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा प्रदान करेगी। कितना? 5 लाख। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखिए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आपकी और सतत विकास लक्ष्य 3 प्राप्त करने की दिशा में ये अच्छा प्रयास है सरकार की द्वारा। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही था, 1 और 2 कथन बिल्कुल सही था। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस किन तरीकों से हरित वित्त ग्रीन फाइनेंसिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है? देशों के विनियामक ढांचे में परिवर्तन के माध्यम से, बिल्कुल सही बात है। हरित बॉन्ड के उपयोग को बढ़ावा देने से, ये भी सही है। क्लाइमेट स्माइल ब्लू इकोनॉमी के माध्यम से, ये भी सही है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो आप तीनों का जो कूट है, इस तीनों सही है आपके। क्या है? तीनों सही है, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। याद रखिए, जब भी आप लोग परीक्षा हॉल में बैठे हो, परीक्षा सेंटर पे हो, तो बड़े ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़ा करिए और बड़े ध्यान से आप लोग टिक लगाया करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक बार जो भी आपने लगा दिया उसके बाद सुधारने की कोई गुंजाइश भी नहीं होती है। तो बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, 1 से 2 बार पढ़ लीजिए करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? जनसांख्यिकीय लाभांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। जनसांख्यिकीय लाभांश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जनसांख्यिकी लाभांश स्वचालित रूप से आर्थिक विकास में परिवर्तित हो जाता है, ये गलत है। जनसांख्यिकीय लाभांश के लाभों को प्राप्त करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना ने व्यापक राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के निर्माण का समर्थन किया है, ये भी गलत है आपका। तो दोनों कथन आपकी गलत है, लेकिन इसमें क्या पूछा है? उपयुक्त में से कौन सा सही है, कथन सही है? तो ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। जनसांख्यिकी लाभांश तब होता है जब कुल आबादी में कामकाजी लोगों का अनुपात अधिक होता है। कहने का मतलब, आप सोचिए कि हमारे देश की टोटल आबादी है, इसमें से काम करने यानी कि रोजगार ढूंढने लायक आबादी या जो मेहनत करने वाली आबादी हो वो ज्यादा होगी, इसे ही हम लोग सामान्य तौर पर जनसांख्यिकीय लाभांश कह देते हैं। ये हमारे देश में अभी बनी हुई है, लेकिन हम इसका फायदा उठा पाते हैं या नहीं? फायदा तभी उठा पाएंगे जब हम लोग इन्हें शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, इन्हें से काम लेंगे। आप एक परिवार के लिए ले लीजिए, ठीक है, एक परिवार में 10 मेंबर हैं, अगर इन्हें बेहतर रोजगार मिलता है, बेहतर काम मिलता है, तो ये परिवार की भी स्थिति सुधार पाएंगे और देश के विकास में भी योगदान दे पाएंगे। और अगर इन्हें रोजगार नहीं मिलता है, इन्हें शिक्षा नहीं मिलती है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिलती है, तो ये घर में ही भी दे रहेंगे। एक ही अगर इनके पास जमीन का टुकड़ा होगा तो उसी पर काम करते रहेंगे। तो इसका फायदा हम लोगों ने पिछली बार उठा पाया था, इस बार देखते हैं आगे क्या होता है। इसका फायदा चाइना ने काफी अच्छे तरीके से उठाया हुआ था। ठीक है, जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त करने के लिए केंद्रित नीति युक्त कार्रवाई की आवश्यकता होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि हमारी सरकार अगर अच्छी नीति बनाती है, अच्छी तरह से इसका क्रियान्वयन करती है, तो बेहतर हम लोग फायदा उठा पाएंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि लाभांश स्वतः ही आर्थिक विकास में परिवर्तित हो जाएगा। हम अगर इस पर कुछ काम नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल भी स्वतः आर्थिक विकास में परिवर्तित नहीं होगा, याद रखिए। जनसांख्यिकी लाभांश के लाभों को प्राप्त करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना ने व्यापक राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के निर्माण का समर्थन किया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारतीय कामगारों की अधिक उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न रणनीतियाँ यथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल, बेहतर कौशल और रोजगार सृजन आदि को अंतिम रूप से दिया जाता है। एक बात और आपको बता दूं कि जो पंचवर्षीय योजनाएं थी अब इन्हें खत्म कर दिया गया है। आप जानते हैं कि योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग आ चुका है 1 जनवरी 2015 से। और याद रखिए, अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है, विकसित देशों की सूची में जा खड़ा करवाना है, तो आपको 2 ही काम करने होंगे। क्या? अपने यहाँ के बच्चों को शिक्षा देनी होगी और स्वास्थ्य व्यवस्था देनी होगी और बेहतर उन्हें प्रशिक्षण देना होगा। यही हमारे देश के आधार स्तंभ है। आज आप सोचिए कि हम बाहरी देशों से सामान खरीद रहे हैं, अगर हमारे देश में इंजीनियर अच्छे होते तो जो हम लोगों ने लड़ाकू विमान आपने देखा है फ्रांस से खरीदे हुए हम लोगों ने, तो हम अपने भारत में भी तो बना सकते थे।
तो आप समझिए कि बेहतर मतलब हमें व्यवस्थाएं करनी होगी इस तरह की। आज हम लोग चाइनीज फोनों के लिए चाइनीज कंपनियों पर निर्भर हैं, तो ये भी तो हमारे देश में हो सकता है, हमें इसके लिए आगे बढ़ना होगा। ठीक है, आप अपने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि आप गांव की स्थिति देखते हैं, क्या से कहाँ किस स्थिति में है। तो इसमें ना तो एक सही था ना ही दो। ठीक है, डी ऑप्शन सही था। अभी तक के हमारे देश के नेताओं ने केवल अपनी रोटी सेंकी हुई है। आप सोचिए, गरीबी की बात की जा रही है, 1947 से अभी तक गरीबी नहीं हट पाई, और बुरी तरह से हम लोग प्रभावित हो रहे हैं। गांव के शिक्षक को कभी देखिए किस तरह से काम कर रहा है, वो उसे खुद नहीं आता है, पढ़ाएगा क्या दूसरों को। अगला क्वेश्चन है, हमारे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी आपको मालूम होगा कि एमपी में एक ऑनलाइन पढ़ाने के लिए बच्चों को सरकारी स्कूलों में, तो आपने उसमें देखा है 25 से 30% केवल छात्र उपस्थित हो पाए। आप समझिए, 100% में से 25 से 30% छात्र केवल उपस्थित हो पाए, उसका मतलब ऑनलाइन पढ़ाई कर सके हैं, क्योंकि हमारे देश में सुविधाएं नहीं है। आप समझ रहे हैं कि सभी लोग ऑनलाइन जुड़ सकें, तो हमें उन सुविधाओं को बनाना हुआ। उसी के बाद हम लोग डिजिटल भारत भी सक्सेस बन पाएगा और आत्मनिर्भर भी भारत बन पाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह संगठित असंगठित और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है। बिल्कुल गलत है। यह एक अनिवार्य और अंशदायी पेंशन योजना है। यह भी आपका गलत है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ग्राहकों का योगदान करके उनके बचत बैंक खाते जनधन खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से किया जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 3 कथन इसमें सही है, बाकी 2, 1 और 2 गलत है। बिल्कुल एक दो गलत क्यों है आखिर, उस पर भी बात कर लेता हूँ। श्रम रोजगार मंत्रालय, किसने? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लॉन्च की है। अंतरिम बजट में घोषित इस योजना को श्रम मंत्रालय द्वारा हाल ही में अधिसूचित किया गया था, और इस योजना के पात्र हैं 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के घर से काम करने वाले ऐसे श्रमिक होंगे जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये होगी। कितनी? 15,000 रुपये। और पात्र व्यक्ति को नई पेंशन योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लाभ के अंतर्गत कवर ना किया गया हो तथा उन्हें उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिए, तभी इन्हें इस योजना का फायदा मिल पाएगा। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। स्वैच्छिक मतलब आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करती है, आप इसमें शामिल होना चाहते हैं या नहीं। तो इसमें केवल आपका तीसरा कथन सही था, 2 और 3, 1 और 2 गलत थे, तीसरा सही था। इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं आपके, हमेशा मेंस में भी आपके बनते रहते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं तब भी आप यूज करते रहते हैं, और मैं कहता हूँ इन्हें अच्छे से रट लीजिए आप लोग। ठीक है, मैंने भी बताया हुआ है स्पेशल वीडियो, पूरे IAS PCS की जो प्लेलिस्ट सूची है उसमें डला हुआ है। सतत विकास लक्ष्यों SDG के बारे में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, युग्म 1 और युग्म 2, यानी कि ये सही है दोनों सामने। SDG 3 इसमें क्या है? उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की व्यवस्था की गई है से संबंधित है, सही बात है। SDG 5 लैंगिक समानता की बात करता है, ये भी सही है। SDG 13 जलवायु कार्यवाही की बात करता है, ये भी आपका सही है। तो तीनों आपके सही है। क्या है? तीनों आपके सही है। इसमें क्या पूछा है कि कौन सा सही है? तो तीनों सही है। याद रखिए 17 लक्ष्य जो आपके सतत विकास लक्ष्य हैं, इसमें 17 लक्ष्यों को और 169 उद्देश्यों के साथ SDG, इन्हें वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जानते हैं आप लोग, निरंतर समग्र और समान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और सभी के लिए अधिक अवसर सृजित करने के लिए, समान असमानता कम करने के लिए, रहन सहन के मूल स्तर में सुधार करने के लिए, समान सामाजिक विकास को बढ़ावा और समावेशन, प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी प्रणाली के समेकित और निरंतर विकास को बढ़ावा देने के लिए चाहता है। मतलब, और याद रखिए जो MDG गोल थे वो आपके 2000 से 2015 तक के लिए थे, और ये आपके 2015 से
2015 से 2030 तक के लिए, इसलिए बड़ा लंबा समर है, इसलिए आप लोग भी इन्हें याद रख लीजिए अच्छे से। एक बार बता देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए 17 को। पहले लक्ष्य में आपका शून्य गरीबी, दूसरा लक्ष्य शून्य भुखमरी, तीसरा लक्ष्य उत्तम स्वास्थ्य खुशहाली व्यवस्था, चौथा लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा लक्ष्य लैंगिक समानता, छठवां लक्ष्य स्वच्छ जल स्वच्छता, सातवां लक्ष्य सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, आठवां लक्ष्य उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, नौवां लक्ष्य उद्योग नवाचार बुनियादी सुविधाएं, दसवां लक्ष्य असमानताओं में कमी, ग्यारहवां लक्ष्य संवहनीय शहर और समुदाय, बारहवां लक्ष्य संवहनीय उपभोग एवं उत्पादन, तेरहवां लक्ष्य जलवायु कार्रवाई, चौदहवां लक्ष्य जलीय जीवों की सुरक्षा, पंद्रहवां लक्ष्य भूमि पर जीवन, सोलहवां लक्ष्य शांति न्याय सशक्त संस्थाएं, सत्रहवां लक्ष्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी। इन 17 को ही आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है? एक से दो बार पढ़ लीजिए आराम से। इसमें आपका डी ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है अगला क्वेश्चन हमारे सामने? उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। उच्च शिक्षा वित्त एजेंसी भारत में प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के वित्त पोषण हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कैनरा बैंक का संयुक्त उपक्रम है। बिल्कुल सही है। यह सार्वजनिक उपक्रमों तथा कॉरपोरेट क्षेत्र से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के माध्यम से धन जुटाएगा और जिसका प्रयोग अनुदान के रूप में इन संस्थानों में नवाचार को बढ़ावा देने में किया जाएगा। ये भी सही है। सभी केंद्रीय वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थाएं इस एजेंसी के सदस्यों के रूप में शामिल होने हेतु पात्र भी होंगे। ये भी सही है। इसमें क्या पूछा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो तीनों आपके कथन सही है। तो इसमें क्या होगा, आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्या है क्वेश्चन हमारा? नाबार्ड निम्नलिखित में से किस प्रकार की वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करता है? नाबार्ड निम्नलिखित में से किस प्रकार की वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त करता है? वाणिज्यिक बैंक, सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसे भी करता है। राज्य सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक, इसे भी करता है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी करता है। चारों को करता है। किसको करता है? चारों को करता है। याद रखिए, ये भी आपका क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि जो नाबार्ड है इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 12 जुलाई 1982 को हुई थी, ठीक है, याद रखिए। इसमें सही कूट चुनना था, तो ये चारों कूट आपके सही है, यानी कि उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारा अगला, क्या है क्वेश्चन? फैम सेकंड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। फैम सेकंड, यह इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन विनिर्माण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देती है, सही है। यह योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये आपका गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक कथन आपका सही है। दूसरा गलत क्या क्यों है आखिर, इसे भी सुन लीजिए। यह योजना आपकी भारी उद्योग और जो सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय है इसके अंतर्गत आती है। किसके? भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत इसी ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ ओवर 2019 का विषय है? कनेक्ट टू अर्थ, क्या है? कनेक्ट टू अर्थ। कनेक्ट टू अर्थ, अगर हम लोग 2020 की बात करें इसके, तो इसे भी याद रख लीजिए आप लोग। 2020 की जो थीम थी इसकी, वो थी क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज 2020 की, 2019 की थी कनेक्ट टू अर्थ। और 28 मार्च को
ये पूरे विश्व में अर्थ ओवर मनाया गया 28 मार्च को। पिछली बार ये 30 मार्च को मनाया गया था। इसका पहली बार 2007 में किडनी सॉरी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया था। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। कॉलम जनजाति निम्नलिखित में से किन राज्यों में निवास करती है? ये आपकी महाराष्ट्र में भी करती है, आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेगी, छत्तीसगढ़ में भी देखने को भी मिलेगी, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चारों राज्य में आपकी देखने को मिलेगी लगभग। तो सही इसमें कूट चुनना था, तो डी ऑप्शन होगा, चारों राज्यों में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन से देश नॉर्दर्न ट्रायंगल का गठन करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से देश नॉर्दर्न ट्रायंगल का गठन करते हैं? तो इसमें आपका अल सल्वाडोर, ग्वाटिमाला, होंडुरास, ये तीनों आपके शामिल हैं। क्या है? तीनों शामिल हैं इसके। ठीक है, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, अहमद सर झील स्थित है? अहमद सर झील स्थित है कहाँ है? ये आपकी गुजरात में आपको देखने को मिलेगी, गुजरात राज्य में। ठीक है, अहमद सर झील गुजरात के सरखेज रोजा अहमदाबाद के पास स्थित है। सरखेज रोजा 15वीं शताब्दी में बनी मस्जिद और संत अहमद खट्टू बख्श का मकबरा है यहाँ। संत अहमद खट्टू बख्श 14वीं और 15वीं शताब्दी में के प्रारंभ में गुजरात के सत्तारूढ़ राजवंश के आध्यात्मिक सलाहकार भी थे। ठीक है, तो गुजरात में है। क्वेश्चन है हमारा अगला, समाचारों में रहा पद रीवा संबंधित है? रीवा रीवा ये जापान के नए युग से संबंधित है। कहाँ के? जापान के नए युग से संबंधित है आपका। ठीक है, याद रखिए। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि जापान की सरकार ने घोषणा की थी कि अगले जो जापान के सम्राट को रीवा या फिर रीवा युग के नाम से जाना जाएगा। नए युग के लिए यह शब्द जो लिया गया है री और वा से मिलकर बना है। री का मतलब होता है आदेश या फिर अधिकार, और साथ ही इसका अर्थ होता है शुभ यानी कि अच्छा, वो वा जो है इसका तात्पर्य होता है सद्भाव। इसका प्रयोग जापानी भाषा में बात करें तो शांति के लिए प्रयुक्त शब्द हिवा से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ठकुरानी जात्रा उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह उड़ीसा में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह उत्सव मुख्य रूप से बुनकर कबीले के बीच मनाया जाता है, यह भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सही कथन चुनना है। तो एक सही है और दो सही है, यानी कि दोनों आपके कथन बिल्कुल सही है। ये आपके उड़ीसा के बरहामपुर में 2 बार से ठकुरानी जात्रा उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, पहली बार की बात करें तो पहली बार ये आपका अप्रैल 1779 में मनाया गया था, और यह त्यौहार 32 दिनों तक चलता है। कितने? 32 दिनों तक। ठीक है, तो इसमें आपके दोनों ऑप्शन सही थे, एक और दो दोनों थे, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा अगला, एमीसेट उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका लक्ष्य विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम माप है, यह बिल्कुल सही है। यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक खुफिया उपग्रह है, ये भी आपका सही है। इस उपग्रह को GSLV-MK3 द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपका गलत है। इसमें क्या पूछा, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो एक कथन आपका और दो कथन सही है, लेकिन तीसरा गलत है। तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया एक आपका प्रक्षेपण या ग्रह, ये आपका सैटेलाइट है। और इसे छोड़ा किसके द्वारा गया था? PSLV-C45 C45 के द्वारा, ना कि GSLV-MK3 द्वारा। ठीक है,
तो इसमें आपका एक और दो सही था। क्वेश्चन हमारे सामने, तरीके और साधन अज्ञेयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तरीके और साधन अज्ञेयों के लिए ब्याज दर बैंक दर पर आरोपित होती है, ये गलत है। 90 दिनों के बाद तरीके और साधन अज्ञेयों यानी कि WMA को खाली किया जाना होता है, ये सही है आपका। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है पूछा है, तो केवल दो कथन आपका सही पूछा है। अब आपसे पूछ लेता है यहाँ कि सही नहीं है, तो इसमें केवल एक कथन सही नहीं था। तो इस पॉइंट को आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ा करिएगा, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी देखा है कि कई बार क्वेश्चंस गलत कर बैठते हैं। जो आपका WMA यानी कि तरीके और साधन अज्ञेयों के लिए ब्याज की दर रिपो दर पर आधारित होती है, किस पर? रिपो दर पर आधारित होती है, ठीक है। तो इसमें आपका केवल दो कथन सही था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। आटाकामा मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल आपका मंगोलिया में स्थित है, ये गलत है। हम्बोल्ट महासागरीय धारा आटाकामा रेगिस्तान की शुष्कता के लिए जिम्मेदार है, ये बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो दो कथन इसमें भी सही है आपका। पहला गलत क्यों है आखिर? आटाकामा रेगिस्तान दुनिया के सबसे शुष्क स्थानों में से एक है। यह चिली के उत्तरी भाग में आपको देखने को मिलेगा और सोडियम नाइट्रेट के उर्वरक का यह एक स्रोत भी है, यानी कि आप समझ रहे हैं, ये चिली के उत्तरी भाग में देखने को मिलेगा, ना कि मंगोलिया के, ठीक है। तो इसमें आपका केवल दूसरा कथन सही था और पहले कथन को हम लोगों ने सही बना दिया। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। चलिए, तो आपकी कोई अगर सलाह हो कोई किसी तरह की तो आप नीचे बता सकते हैं मुझे, और आगे हम लोग मिलेंगे 5वें टेस्ट में, ठीक है।